नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 9, विषय हिंदी। मैं आज आपको पाठ 19 महाकवि कालिदास, जिसके लेखक नरपत बारहट हड़विचा है। अगले वीडियो भाग 5 में हमने देखा विद्युतमा कालिदास को महल से निकाल दिया। बाद में कालिदास ने माँ काली की उपासना करके ज्ञान प्राप्त किया, काली का दास होने के उसका नाम कालिदास पड़ा और पूर्णः विद्युतमा के पास लौटे। और तब वह कालिदास क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना सुनाई। तब विद्युतमा ने कालिदास को प्रवेश द्वार खोला और उसे आने दिया। कालिदास ने प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिलता। राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। वो भी हमें कालिदास के रचनाओं में देखने को मिला है। उन दिनों में नारी का क्या स्थान था, समाज में नारी का सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि में देखा जाता है तो उसे नृत्य संगीत और चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती है। अब हम महाकवि कालिदास के प्रमुख 7 ग्रंथ के बारे में भाग 6 वीडियो में देखेंगे। तो महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है, उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है, उसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। प्रकृति का अर्थ भी होता है कि कुदरत ने जिसकी रचना की है वही, यानी कि उसकी प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसका पहला ग्रंथ ऋतु संहार, दूसरा ग्रंथ मालविकाग्निमित्र, यानी कि इसे नाटक है। पहला नाटक और ग्रंथ दूसरा, उसमें 5 अंक है और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। इस नाटक में राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमवर्षीय कालिदास का दूसरा नाटक, रचना यानी ग्रंथ तीसरा लेकिन नाटक दूसरा। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया है। महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया है इस नाटक में। कुमार संभव काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। मेघदूत के ग्रंथ से पता चला है कि कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ है, वह भी एक खंड काव्य है। इसके शुरू में कालिदास ने बादल के दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का वर्णन बताया है और यही अलकापुरी तक का मार्ग बताने से ही पता चला कि कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ है। उसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपने विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है कि इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा
कहने से पहले ही कह दिया है। कहा तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह अंश, यह वंश, कहा मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनको से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूं। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का सातवां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास ने आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य शासन और राजनीतिक समाज और अंधविश्वास, भूगोल और ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। इस प्रकार महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख कृतियां जो ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रम वर्षीय, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें मालविकाग्निमित्र, विक्रम वर्षीय और अभिज्ञान शाकुंतलम इसके 3 नाटक है और 4 उनके महाकाव्य है। हम महाकवि कालिदास के बारे में अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि महाकवि कालिदास निरक्षर होने के बावजूद, कठोर उपासना के बावजूद माँ काली का वरदान प्राप्त, काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ और शीघ्र ही कालिदास की सारी विद्याओं में प्रवीण हो गए और 7 प्रमुख ग्रंथ की रचना की, जिनमें 3 नाटक और 4 महाकाव्य है। इसलिए कहा जाता है, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी बच्चे को मूर्ख नहीं मानना चाहिए।